अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशा किचन। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो राइस लिया है, ये बासमती राइस है। दो टमाटर को पीस कर ले लिया है। इसमें देखो अपने टेस्ट के हिसाब से हरा मिर्ची लीजिए, थोड़ा सा कोथमीर, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन। इसको अच्छे से पूरा पेस्ट बना लिया है। और फिर अलग से थोड़ा सा और 5-6 लहसुन है, कट करके लिया है। एक चक्री फूल है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, दो तेज पत्ता है और दो ऑनियन है, ऐसे शेप में कट करके लिया है। और ये देखो एग लिया है, इसे अच्छे से बॉईल करके फिर तेल में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के इसे फ्राई करके लिया है अच्छे से। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पर रख दिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी डाला है। सब गरम हो चुका है तो अभी हम तेज पत्ता और खड़े मसाले ऐड कर लेंगे और फिर लहसुन भी ऐड कर लेंगे। जैसे लहसुन का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम ऑनियन ऐड कर लेंगे। ऑनियन को अच्छा गोल्डन ब्राउन करके ले लेंगे। गैस की आंच पर मैंने पास ही रखा है, हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम हरा मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया है वो ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें 10 हरा मिर्ची डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। और ये जो टोमेटो का पेस्ट बनाया है ये भी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से 1 मिनट भून लेंगे। गैस की आंच को भी मीडियम कर देंगे। अभी नमक भी ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, से मिक्स कर लेंगे। अभी देखो जैसे हमारा मसाला ऐसे पूरे बॉईल होने लग जाए तो हम फिर गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच, ये मैंने आपको बताया नहीं था। फिर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। ये देखो ये चिकन मसाला, ये पूरा पैकेट ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से सबको पूरा मिक्स कर लेंगे। और नमक मिर्ची भी अभी अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिए, इसको अच्छा 1 मिनट हम मीडियम आंच पर रख देंगे। 1 मिनट हो गया है, अच्छे से मसाला पूरा पक गया है। तो अभी हम राइस ऐड कर लेंगे। राइस को देखो मैंने भिगा कर नहीं रखा था, बस जैसे मसाला तैयार हो गया तो इसे अच्छे से धोकर ले लिया है। अभी मेरे घर के हिसाब से ये राइस 1 गिलास है तो मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। राइस को हिलाना नहीं है, पहले पानी डाल देना है। अभी इसमें 1/2 नींबू ऐड कर लेंगे जिससे हमारे राइस अच्छे खिले खिले बनेंगे। अभी थोड़ा सा धनिया और 1 कड़ी पत्ता को मैंने काट कर ले लिया है, इसको सब अच्छे से इसमें डाल देंगे। और घी भी ऐड कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घी का। और इसे चम्मच से हिलाना नहीं है, बस कुकर अभी हम बंद कर देंगे और 2 सीटी ले लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार हो गया हमारा एक पुलाव, एकदम सिंपल, बहुत ही टेस्टी। हमारी रेसिपी को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।